हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे दोस्तों गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन में आप लोग यहाँ पे किसी भी फ़ोटो या तो फिर वीडियो का जो लिंक है उसको बनाना चाहते हैं ताकि आप यहाँ पे उस लिंक को किसी को जो है व्हाट्सएप पर भेज सकें, और उस लिंक पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वो फ़ोटो ओपन हो जाए या तो फिर वो जो वीडियो है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे किसी भी फ़ोटो का या तो फिर वीडियो का एक लिंक यहाँ पे बना पाएँ, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों कैसे आप लोग यहाँ पे गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन में किसी भी फ़ोटो का और वीडियो का जो लिंक है उसको आप लोग कैसे यहाँ पे बना पाएंगे। तो इसको जो है दोस्तों आपको बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको जो है गूगल ड्राइव के एप्लीकेशन में एक फंक्शन देखने को मिलता है, तो आपको सिंपली से उस लिंक को जो है कॉपी करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव को ओपन कर लेना है। गूगल ड्राइव को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे जो भी फ़ोटो या तो फिर वीडियो वगैरह अगर आपने अपलोड कर रखी है तो आपको यहाँ पे जो है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल जो है PDF फाइल है, तो यहाँ पे मैं आपको PDF फाइल करके ही आपको वो दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी फ़ोटो यहाँ पे आपने भेजा मतलब कि अपलोड किया होगा तो उसके साइड में यहाँ पे आपको इस तरीके से 3 डॉट दिखाई देगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है कॉपी लिंक का डायरेक्टली ऑप्शन आ जाता है, तो आप लोग यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक करिए। अब दोस्तों जो भी लिंक यहाँ पे आपने कॉपी किया है उसको आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप पर या तो टेलीग्राम में किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही उस लिंक को जो है आप यहाँ पे पेस्ट करके शेयर करेंगे और वो जो है उस लिंक को क्लिक करेगा तो डायरेक्टली जो भी फ़ोटो का लिंक आपने कॉपी किया है वो फ़ोटो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग गूगल ड्राइव में जो किसी भी फ़ोटो का लिंक जो है आप लोग यहाँ पे कॉपी कर पाएंगे।